हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वेज पिज्जा बनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल होममेड है। इसके लिए हमने ये सब चीजें लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पिज्जा ब्रेड है और ये शिमला मिर्च, टमाटर, ओनियन, ये चीज, टमाटो सॉस, मेयोनीज और रेड चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, ये सभी को अब इसके ऊपर ऐड करेंगे। सबसे पहले इस पे टमाटो केचप ऐड करेंगे। इसे हम पूरी तरह इस तरह से फैला देंगे। अब हम इस पे मेयोनीज ऐड करेंगे। इसे भी पूरी तरह से फैला देंगे। अब इस पर हम सारे चीज को इस तरह से डाल रहे हैं एक एक करके। अब हम इस पर चीज डाल रहे हैं इस तरह से। अब हम इसमें ऑरिगैनो डाल रहे हैं, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हमारा पिज्जा पकने के लिए तैयार हो गया है। अब चलते हैं इसे पकाने। ये हमारे तवे पे काला नमक है, इसी पे हम थाली रख के होममेड पिज्जा बनाएंगे। ये गर्म हो चुका है। ये देखिए हमने तवे पे थाली रख दिया है नमक पे, जो हमारा गर्म हो चुका था। अब ये पक जाएगा अच्छे से। अब इसे हम ढक देते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। फिर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा 10 मिनट के बाद। अब हमारा पिज्जा तैयार होने वाला है 1 मिनट में। ये देखिए, ये देखिए पिज्जा के ऊपर से भी पकाने के लिए ये गरम करके काला नमक को हमने ऊपर से थाली में रख दिया है। लगभग हमारा पिज्जा बनकर तैयार ही है। ये ऊपर से जो कुछ भी रह जाता है बिना पका हुआ वो पक जाएगा। देखिए ऊपर से भी बिल्कुल पक चुका है, हमारा पिज्जा बनकर तैयार है। ये थाली हटाने के बाद कुछ ऐसा आया है। ये देखिए बहुत ही आसानी तरीके से हमने होममेड पिज्जा बनाया है घर पे ही बिना ओवन के, जो बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है। यह हमारा पिज्जा बनाने का वीडियो था। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।